Hello, Assalamu Alaikum. Welcome to Meridia. This is your host, Umar Tariq. So, let's talk about के what is the most important thing in life? हम यहाँ पर कोई एक जर्नी या एक किस्म का तरीक़ेकार लाइफ का प्रमोट नहीं कर रहे, तो सवाल ये उठता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओ, गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट बन जाओ, हॉस्पिटलिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, घर पे रहो, बच्चों को संभालो. यू नो व्हाट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनमें से कुछ भी नहीं. लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुश होना. जो भी करो ना आप, जैसे भी करो, उस पर खुश रहो, आपके पास ज़हनी सुकून हो. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, तमाम लोग जो हैं, वी आर ऑल चेजिंग आवर ओन क्रिएटेड मॉन्स्टर्स, आवर ओन क्रिएटेड डेस्टिनेशंस. और हम लोगों को लगता है कि जब हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे ना, तो तभी हमें खुशी मिलेगी लाइफ में, हमें तभी ज़हनी सुकून होगा. इनफैक्ट आपको ये पूरा जर्नी जो है ना, ये पूरा यूनिक सफ़र, इसको एंजॉय करना है. आपकी खुशी जो है वो किसी एक मंजिल की मोहताज नहीं है. सो ऑन दैट नोट, सो सी आई इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर इंटरव्यूज, और जो विलिंग होते हैं वो आ जाते हैं. तो वी वर इन अ यूनिक सिचुएशन. आई हैड समवन हु वाज कंफर्टेबल कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट शी thought that it would be better if she shares her perspective in a video that she makes herself. So for those people who are not comfortable interviewing, we start this unique perspective series in which they don't have to come in front of camera. They can present their own perspective of things, or we will just simply share that. Dekho, I'm personally not in support of or against any perspective, but I think it is equally important to be a tolerant person in life. एंड फॉर टॉलरेंस आई थिंक इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों का भी पर्स्पेक्टिव देखें, सुने और समझें. दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन. ठीक है, तो ऑन दैट नोट, माई नेक्स्ट गेस्ट इज समवन हु इज़ अ यू एस सिटीजन, हु वॉज यू एस सिटीजन, बॉर्न यू एस सिटीजन, हु डिड MBBS, पब्लिश मल्टीपल रिसर्च पेपर्स. आई नो हर पर्सनली. She could have gotten residency in any top program in the country. She published multiple research papers, multiple abstracts at one of the like top journals, and went to top conferences. She could have easily gotten residency at a top place. She opted not to. She decided not to do it, and she did it willingly, just to focus on her own family, and I respect that. What's मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अब 10-11 साल हो गए, एंड शी इज़ नॉट ओनली हैप्पी बट शी इज़ कॉन्टेंट एंड प्राउड ऑफ हर डिसीजन. सो ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू हर व्हाट शी हैज़ टू से. अस्सलामु अलैकुम. उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबकी ज़िंदगी में भरपूर मदद करेगी. उमर भाई ने मुझे इंटरव्यू का कहा था कि मैं मदर डॉक्टर्स जो आगे फर्दर क्लिनिकली कुछ कर नहीं सक रही उनको गाइड कर सकूं, और लेकिन मैंने सोचा कि इंटरव्यू मेरे लिए मुनासिब नहीं है. लेकिन मैं आप लोगों को, सबको, सिर्फ मदर्स ही को नहीं बल्कि हर एक को एक बेहतरीन तोहफ़ा देना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबकी ज़िंदगी या बेहतर बेहतरीन और आसान हो जाएंगी अगर आप इसको समझ सकें. तो इसकी मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह. और हम अब शुरू करेंगे जहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है. हमारी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में हमारे मुख्तलिफ किरदार होते हैं. जैसे कि आप ये देखेंगे, हम पैदा होते हैं और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहन भाई आ जाते हैं, और फिर हम तकरीबन 4 साल 5 साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा जो है 23-24 साल तक सिर्फ स्कूल ईयर्स में ही रहता है. और उसके बाद हमारी शादी हो जाती है और हम पेरेंट्स बन जाते हैं. तो ये सारे रोल्स हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमारी ज़िंदगी काफ़ी इनके इर्द गिर्द घूमती है. लेकिन हमारी ज़िंदगी में मसला यहाँ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल रोल का होता है.
और जब ये रोल होता है तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये फाइनेंशियल रोल होता है, बाकी सब जो है वो बेहतरीन गिफ्ट्स हैं, लेकिन ये जो रोल है ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रोल है। बाकियों में आपके पास चॉइस नहीं होता, जब ये सब आ जाता है चॉइस पहले होता है, लेकिन यहाँ यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी बारे में आज बात होगी, इस ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल रोल जो है, ये रोल जो है हमारा डॉक्टर रिलेटेड, हम उस पर ही बात करेंगे क्योंकि यही हमारा फील्ड है। लेकिन हम सब काफ़ी ज़िंदगी गुजारने के बाद, तकरीबन 20 साल ऑलमोस्ट गुजारने के बाद इधर स्टक हो जाते हैं जब हम 23-24 आते हैं, और वहाँ हमारी गाइडेंस में बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि ये सारी स्कूल लाइफ है, स्कूल लाइफ है, और हमें ज़िंदगी में सिखाया जाता है कि हमने कुछ बनना है, तो हम इससे आगे निकल नहीं पाते, यहाँ पे अटक कर रह जाते हैं। इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि मैं आपसे जो आगे बात करूँ वो आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हल कर सके इंशाल्लाह। तो हमारा जो दूसरा रोल है इसके बाद, रोल यही है लेकिन हम इसके बाद जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हमारी कन्फ्यूएंस क्या है, हमारी कन्फ्यूएंस मोस्टली ऐसी क्या हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं, और वो कन्फ्यूएंस हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। हमारी इतनी उलझने हैं इस उम्र में, अब अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारी मेन उलझन सबसे बड़ी ये है कि हमने हर एक को क्लिनिक में देखा है हमेशा, हमें लगता है कि डॉक्टर जो है वो क्लिनिक में ही बैठता है, तो इसलिए हम भी अपने आप को क्लिनिक में देखना चाहते हैं। और अगर सेकंड हमारी उलझन ये है कि हम अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहते, तो हमें हमारी ये फीलिंग है कि शायद वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर हमें ये प्रॉब्लम होता है, हमारी उससे ज़्यादा बड़ी उलझन ये है कि ये जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हम सोच रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी वाकई बेटर है, लेकिन इसके साथ बहुत सी और कन्फ्यूजन्स आती हैं। जैसे कि आप अगर आप अपने मुल्क में करेंगे तो MBBS के बाद आपको हाउस जॉब के साथ आप आगे कंटिन्यू करेंगे और सारी फैमिली आपकी है और आपको काफ़ी हेल्प है, लेकिन आप अगर बाहर जाएंगे, US या कहीं भी किसी भी मुल्क, इंग्लैंड जाते हैं कुछ भी है, तो आपकी डिग्री को अंडर ग्रेड ट्रीट किया जाता है। जब वो अंडर ग्रेड ट्रीट किया जाता है तो आप ये समझते हैं कि अब हमें एग्ज़ाम्स देने हैं और एग्ज़ाम्स देने हैं और फिर हमने कुछ चीज़ें करनी है तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अंडर ग्रेड डिग्री का मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है उस फील्ड अपनी अंडर ग्रेड को लेके आगे बढ़ने का। आपने शायद कभी देखा नहीं है लेकिन मैंने देखा है बहुत से डॉक्टर्स आफ्टर MBBS वो इंजीनियरिंग करते हैं, वो आगे पुलिसमैन बनते हैं, वो बिजनेस साइड पे चले जाते हैं, MBA कर लेते हैं, अगर वो बाहर जाके रिसर्च वर्क करते हैं तो वो उस फील्ड में चले जाते हैं और रिसर्च बेस्ड उनकी लाइफ हो जाती है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। आपकी सोच है कि ये ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल जो एरिया है, दिस हैज़ मल्टीपल चॉइसेस, आप बहुत तरह से एक टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, ये लाइफ में बार बार स्विच कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो फिर आपका थर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपकी उलझन ये है कि आपको बहुत जल्दी, यू वांट टू बिकम अ क्लिनिशियन वेरी फास्ट, एज सून एज पॉसिबल, आपको है कि 23 साल में निकलें तो 24, 25, 26 में हो जाए, क्योंकि वी कंपेयर अ लॉट और कंपटीशन सेंस हमारे अंदर बहुत रहती है स्कूल्स की वजह से। लेकिन इस क्लिनिशियन जो फेज़ में बहुत से मसाइल हैं। सपोज़ आप ये वाला एरिया देखें, अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करना होंगी, जिसमें इमिग्रेशन रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, लिविंग वहाँ पे, सारा कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसको आपने काफ़ी मिनिमाइज़ भी करना है, बजट में कंट्रोल भी करनी है बजटिंग, लेकिन आप अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी फैमिली में डिपेंडेंट हैं, और जो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, तो मैं आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक पुअर फैमिली की दूंगी यहाँ,
कि अगर सपोज आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये कहें कि अपने वालिद से कि आपने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब मेरे पास ये चॉइस है कि मैं आपके साथ अपनी हाउस जॉब के बाद आपके साथ रह के हाफ टाइम थोड़ा सा कुछ काम करूँगा, कुछ काम करूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा, उसके साथ मैं कुछ इमिग्रेशन की चीज़ें सॉल्व करूँगा और उसके साथ साथ मैं हाफ मनी फॉर इमिग्रेशन, हाफ मनी फॉर माई टेस्ट्स, ताकि मैं आपको भी हेल्प कर सकूँ। आपने पूरी ज़िंदगी मुझे बहुत हेल्प की, और जैसे ही मैं इस कदर स्टेबल हो जाऊँगा कि मेरे आगे मुझे कोई टेस्ट देने जाना है बाहर के मुल्क या कुछ भी देने जाना है, मैं उतना जाऊँगा, और जब वाकई मुझे वहाँ रहना पड़े तो मैं करूँगा। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको शायद 1-2 साल की मेहनत हो, 25-26 तक, लेकिन आप ये इशू अपने मुल्क में रह के काफ़ी सॉल्व कर लेंगे, और फिर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाके उतने पैसे भी जमा कर लेंगे और फिर रहेंगे, और 1, 2, 3, 4 साल से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेहनत करना होगी और आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपके फादर का, आपके पेरेंट्स का, मदर फादर का इतना बड़ा विजन है कि वो आपको पुअर होने के बावजूद डॉक्टर बना सकते हैं, तो आप ऐसा विजन क्यों नहीं सोचते कि आप उनकी ऐसी हेल्प करें कि वो मुतमाइन हो जाएं, कुछ अपनी मदद वैसे कमाने में कुछ उतनी, क्योंकि कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत उनको सपोर्ट करना इसमें बहुत हेल्प करेगा। और जब आप जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा बर्डन ये कम हो जाएगा कि मैं अपने फादर से बार बार पैसे नहीं मांग रहा, और आप 26-27 जब भी पहुँचेंगे आपको बहुत खुशी होगी अपने आप से, बल्कि आपके वालदेन को बहुत फ़ख्र होगा कि इस बच्चे ने मेरी मेरी मेहनत, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो भी मेहनत है उसको, उसका हक अदा किया, इसने इतना अच्छा सोचा। तो ये आपका फाइनेंशियल इशू ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत से लोगों की शादी हो जाती है 23-24 के बाद, फ़ौरन हो जाती है औरतों की यूजुअली, और लेकिन हम मर्द और औरत दोनों की यहाँ पे बात करेंगे। जब मर्द की शादी होती है तो उसको फैमिली नीड्स मीट करनी होती हैं, और अगर वो डॉक्टर और बाहर जाना चाहता है तो इमिग्रेशन और टेस्ट और लिविंग विद फैमिली और अगर कोई बच्चे हों तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तो वो काफ़ी हैंड टू माउथ, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है, थिक एंड थिन ही होता है, क्योंकि घर में स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं और दोनों का नया नया रिश्ता भी होता है हस्बैंड वाइफ का, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन सेन थ्रू आउट। और अगर आप वुमन हैं तो आपकी बीइंग कल्चर और रिलीजियस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स होम है, रिलीजियसली भी और कल्चरली भी, और फिर आप बच्चों का ख्याल भी आपने रखना होता है, और इसके साथ साथ हस्बैंड, और आप डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, आपको अपने हस्बैंड से कुछ सपोर्ट लेनी है, कुछ आप अपने जैसे भी आप सोचते हैं, और आपको मिलके हर चीज़ में एक दूसरे की हमहंगी से, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आपको काफ़ी एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होगी, स्पेशली अगर आपने डॉक्टर प्रोफेशन है आपका, तो आपको एक दूसरे के लिए के साथ बहुत ताकत के साथ, बहुत समझ के साथ, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। वो टाइम बहुत टफ होगा दोनों की, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अब हम फाइनेंशियल इश्यूज और मैरिज के बाद थर्ड आते हैं, ड्रीम्स। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़ी उलझन है हमारे लिए, और वो हमारे लिए इतनी बड़ी उलझन इस तरह से हैं कि हमने हर एक को क्लिनिशन देखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, हम समझते हैं कि अगर हम एक हॉस्पिटल में जाके एक सीट पे बैठेंगे और वाइट कोट पहन के हर जगह काम करेंगे तो ही हम डॉक्टर माने जाएंगे, और नहीं तो हमने वेस्ट किया। अब आप ये सारे रीजंस देखें, और अगर आप अपना मुल्क चूज़ करें तो कितना आसान है, आपको फैमिली की हेल्प है, आपको मेड्स इजीली अवेलेबल हैं, आपको नैनी से ज़्यादा अपने ही पेरेंट्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, आप घर में जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स के पास बच्चे छोड़ देंगे, आप कुछ भी करेंगे, आपको उतने फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है बाहर जाने वाले। लेकिन आप ये बताएं कि आप इसलिए जाना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं, आपको बेटर फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, या आपकी फैमिली चाहती है कि आप बाहर जाएं, या आप ख़ुद चाहते हैं आप बाहर जाएं, ये आप रूल आउट करें सबसे पहले। और आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं, वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा घर अच्छा मिलेगा,
या क्या होगा वहाँ पे, डॉक्टर को ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्या वजह क्या है कि आप बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी टेस्ट और हर चीज़ से पहले इंग्लिश का बहुत बड़ा मसला होगा, या जो भी लैंग्वेज जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं। और सपोज़ मोस्टली इंग्लिश कई जगहों पे काम आती है, यूएस में तो आती है, लेकिन यूएस ऑस्ट्रेलिया और यूके में, लेकिन बाकी हर जगह नहीं आती। लेकिन हम सपोज़ करते हैं कि आपको इंग्लिश ही सीखनी है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमेशा पढ़ते हैं, तो आपका ये मसला नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आपका मसला होता है कि आप वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट देखते हैं, और आप देखते हैं कि उनका एक एक्सेंट है, उनका स्टाइल है, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। उस कॉन्फिडेंस शेक होने की वजह से आप अपने आप को उन जितना अच्छा महसूस नहीं करते, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस बेस हो जाती है, और आपको लगता है कि आप उन जैसा नहीं बन सकेंगे। हालांकि लैंग्वेज इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग टू बी एनी थिंग इन लाइफ। हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कि हम अपनी बात तरीके से अच्छी पर्सनैलिटी के साथ कर सकें। हम ज़्यादातर अपनी पर्सनैलिटी लूज़ करते हैं। नॉलेज तो आपको रेजिडेंसी के बाद विद टाइम कुछ किसी भी चीज़ में जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने से, सीखने से ज़्यादा आता है, और हर उम्र में आता है। लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा जो है आपका, आपको कहना चाहिए आपका बहुत बड़ा हथियार है कि आप अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाएं, आपकी फुल ऑफ इंटेग्रिटी, आपका एक अच्छा किरदार होना चाहिए। वो किरदार जो है वो आपको अच्छी जगह पे लेके जाता है, चाहे वो दुनिया के आप किसी भी मुल्क में चले जाएं। फिर आप बाहर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्या कहते हैं, होम सिकनेस का। और होम सिकनेस के बारे में ये कहूँगी, जो आपको होम सिकनेस का इशू होता है, तो होम सिकनेस आप पूरी ज़िंदगी, जब आप बड़े हो गए हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। आप चाहे अपने मुल्क में हो या बाहर हो, आप अपने अम्मी अब्बू के साथ हर वक्त जुड़ के नहीं रह सकते। आपको पता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, और आपने अपनी फैमिली के साथ रहना है तो आप हर वक्त उनको फ़ोन करके परेशान नहीं कर सकते बाहर से। आप अकेले होंगे, आप मैरिड नहीं हैं, बाहर जाएंगे तो आपको ज़ाहिर अपने पेरेंट्स, अपनी मदर की वो दुआएं, वो प्यार, और फादर के साथ जो कन्वर्सेशन होती है, जो इन पर्सन होती है, वो नहीं मिल सकेगी। लेकिन आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से उनको परेशान करने की बजाय, क्योंकि नाउ यू नीड टू बी टू ग्रो अप, यू आर नॉट इन योर स्कूल लाइफ, यू नीड टू ग्रो अप। और जब आप यहाँ ये सारे कन्फ्यूज़ को मैं आपको थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रही हूँ, तो आपकी थर्ड, जो अब हम इससे मूव करेंगे आफ्टर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रोल्स, हमारी किरदार, कन्फ्यूजन, उलझने, अब थर्ड इज़ हिंड्रेंसेस, रुकावट। हमारी क्या रुकावटें हैं? तो हमारी सबसे पहली रुकावट जो है, हमारी हमारे अपने अंदर हमारी फैमिली लगती है हमें। हमें ये लगता है कि हमारी फैमिली हमसे बहुत पूछती है, कब डॉक्टर बनोगे, कब ये बनोगे, कभी वो बनोगे, तो वी रिमेन कन्फ्यूज। हमें हमें होता है कि हम किसको क्या बताएं, तो हमें अपने आप को प्रूव करने की बेचैनी रहती है कि हम नहीं बनेंगे और हमें कोई नहीं दे सकेगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि फैमिली जब पूछती है, आपके पेरेंट्स जब पूछते हैं, फ्रेंड्स, बहन भाई, उसको पॉजिटिव लेना सीखें। योर एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव टूवर्ड्स दैम, क्योंकि आपकी जो फैमिली, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको सिर्फ इस जगह अच्छा नहीं देखना चाहते। आप ये मत समझें, क्योंकि वो हर चीज़ जो पूछते हैं वो आपसे, आपकी केयर करते हैं। हाँ, एक तरीका होता है पूछने का, वो हमें हर्ट करता है, लेकिन उनको आपके अंदर से, आपके वालिदैन को आपकी फ़िक्र ही है, तो उसको पॉजिटिव लें। अब आप लोगों की बात करेंगे, लोग क्या आपके जहन में रुकावट पैदा करते हैं, तो लोग जो हैं, लोगों की बातों को भी पॉजिटिव अब इग्नोर करना सीखें। वो इस तरह से कि सपोज़ लोग आपसे यही नहीं पूछेंगे कि तुम अभी तक डॉक्टर नहीं बने, या तुम बहुत दूर चले गए हो, अब सब कुछ तुम्हें मिल गया है, तुम अपने पेरेंट्स को नहीं उस तरह से पूछते, वो उदास होते हैं। या वो ये कहेंगे कि तुम अच्छी औलाद नहीं हो, तुमने अपने बहन भाइयों को कभी पूछा नहीं है, या फिर वो ये कहेंगे कि तुम सब कुछ करके, स्पेशली मदर्स, तुम बच्चों को नहीं अच्छा पाल रही,
बच्चे तुम्हारे इग्नोर होते हैं, या फिर वो ये कहेंगे कि तुम दोनों ही अच्छे माँ बाप नहीं बन सके, तुम लोगों ने एक लाइफ स्टाइल तो अपना लिया लेकिन घर में तुम हो ही नहीं बच्चों के लिए। तो इस तरह ज़िंदगी में बहुत सी बातें आएंगी आपको सुनने में, और फिर आपको ये भी आएगा कि आपने ज़्यादा कमा लिए या आपको अच्छे से पैसे, अच्छे पैसे तो आपको यहाँ मिल जाने थे। तो इस तरह की बातें लोगों से आपको पूरी ज़िंदगी आती रहेंगी कि अब आपने ये कर लिया है, अब चलो पढ़ रहे हैं, बेटा कर लिया, बेटी भी कर लो और बच्चे कर लो। तो इस तरह के की रुकावटें हैं, लोगों की बातें आपको आती रहेंगी। बल्कि आप ख़ुद वो इंसान हैं कि अगर आपको, आपके हाथ में कोई चीज़ आती है, सपोज़ आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप दूसरों से कहते हैं अच्छा तो अभी तक तुमने ये नहीं किया, कब करोगे ये। आप ख़ुद भी तो वो करते हैं लोगों के साथ सलूक। तो आपको ये जो है ख़ुद को भी ठीक करना होगा और लोगों की बातों को भी इग्नोर करना होगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली और लोगों के को पॉजिटिवली डील करने के बाद। माई थर्ड बिगेस्ट टारगेट इज़ यू योर सेल्फ, वट्स इन योर ओन हैड। ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस, रुकावट है आपके, जिससे आपको निकलना होगा। और अब हम इस पे बात करते हैं। तो ये जो रुकावट है, इसमें सबसे पहले आपको जहन में ये होता है कि आई हैव स्टडीड सो हार्ड, मैंने इतनी मेहनत की है इतने साल, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे बहुत पैसे खर्च किए हैं, मैं ये अपना ड्रीम कभी भी लूज़ नहीं कर सकती, ये अगर मेरा ड्रीम लूज़ हो गया तो सब मुझे लूज़र कहेंगे और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी कि मैंने अपने माँ बाप और मेरा अपना ड्रीम पूरा नहीं किया। तो मैं आपको ये बता दूँ, बैक टू नंबर वन, आपके वालदैन आपको यहाँ ही नहीं, इन सब खानों में उम्दा तरीन देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ बहुत अच्छे डॉक्टर ही नहीं, आप बहुत अच्छी औलाद, बहुत अच्छे बहन भाई, बहुत अच्छे माँ बाप, बहुत अच्छे वालदैन बने अपने बच्चों के लिए। बल्कि अगर आप इन सब चीज़ों में फेल होते हैं तो ये नाकामी है। इस जगह आपके पास इतना मार्जिन है कि आज आप डॉक्टर की जगह रेस्टोरेंट ओनर, शेफ़, बहुत अच्छे शू मेकर, अपना बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हैं ज़िंदगी में पैसे कमा के। आप हेल्थ कोच बन सकते हैं, अपने आवर्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं रेजिडेंसी के बाद, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। आपको ये नहीं है कि आपको पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहना है, आप कम और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप कभी भी बदल नहीं सकते जब ज़िंदगी में एक दफ़ा आ जाती हैं, इसमें कोई फ्लेक्सिबल जोन नहीं है। ये सारे खाने जो हैं, सारे के सारे 1 2 3 4 5, ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे करना होंगे और यही आपके वालदैन का गिफ्ट होगा, खाली ये नहीं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग डॉक्टर और हैविंग अ बिग हाउस, बिग कार और कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग लाइफस्टाइल इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। योर आइडेंटिटी इज़ दैट यू आर अ ह्यूमन बींग विथ सो मैनी रोल्स। आपकी ज़िंदगी में बहुत से किरदार होते हैं और वो आपको सभी पूरे करने होते हैं और तब आप कामयाब होते हैं। आप ये भूल जाएंगे किसी को, आप बहुत बड़ा, किसी की जर्नी देख कर कोई कहीं पहुँच गया है तो आप उसको देख कर कंपेयर कर रहे हैं और स्ट्रेस में हैं, वो कुछ भी नहीं है। हर कोई इन सब चीज़ों से गुजरता है, फेल और लूज़र वो है जो ये चीज़ें नहीं पूरी करता। ये चीज़ तो बाद में आती है, ये चीज़ तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ फाइनेंशियल नीड है, लेकिन बाकी चीज़ें फाइनेंशियल नीड नहीं है। बाकी चीज़ें जो हैं वो दिल से आती हैं, मेहनत से आती हैं और वो रहती हैं आपको, वो आपको कामयाब बनाती हैं। तो अब मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये आप अच्छे तरीके से फिल करें, थोड़ा थोड़ी एफर्ट हर जगह करें और आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इनमें, लकीली कुछ भी, फ्रॉम होम मेकर, मदरहुड, टू क्लिनिशन इन इन योर ओन कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। होम कंट्री के बहुत एडवांटेजेस हैं लेकिन और जगहों पे आपको मेहनत करके ही बनाने होंगे, किसी को भी फ़ौरन से कुछ नहीं मिल गया। और अब मैं ये कहूँगी कि मेरी एग्जांपल की बात हुई थी, अ मदर जो MBBS डॉक्टर हैं लेकिन उन्होंने आगे से परसू नहीं किया। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आई एम नॉट अ मदर कि जिसने ये चूज़ किया कि वो काम नहीं करेगी। आई एम अ मदर
उसने जिसने जिसके लिए अल्लाह ने चूज़ किया, अल्लाह हैज़ गिवन चोजन टू गिव मी अ चाइल्ड एवरी टाइम व्हेन एवर आई वाज परसुइंग वेरी हार्ड कि मैं अपने क्लिनिकल रोल में जाऊं और मेहनत कर सकूं और आगे बढ़ूं, तो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, हर बार ऐसा हुआ, और उसकी वजह से मैं अपनी मदरहुड पे फोकस कर सकी, जो कि जिसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरे लिए चॉइस करना बहुत इजी हो सका, कि मैं अपने बच्चों के पास मैक्सिमली उनके प्राइमरी ग्रोथ ईयर्स में उनको सपोर्ट कर सकूं, जैसे कि मेरी मदर ने मुझे ज़िंदगी में, मेरी मदर मेरा रोल मॉडल है, उन्होंने ज़िंदगी में हमें इस कदर वक्त दिया है कि मैं ये सोच ही नहीं सकती कि मैं अपने बच्चों की चीज़ें एक एक जैसे मेरी मदर ने की मैं ना कर सकूं। जब मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट आती है कि जैसे उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है, तो मैं भी अपने बच्चों के शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा मदद कर सकूँ। और जब मुझे इंटरव्यू की ऑफ़र आई उमर भाई से, तो मैं काफ़ी सोचने पे मजबूर हो गई, अपने सारे साल देखने पे, और फिर मैंने अपने बच्चे से पूछा कि अगर मैं कैसी मदर हूँ आपके नज़दीक, तो वो मुझे कहती कि आप जो हैं बहुत केयरिंग हैं, आप हमारे हमें कुछ नहीं कहती जब तक कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी ना हो, कि जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक ना हो तब आप हमें समझाती हैं, आप हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो फिर मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि अगर मैं आपके डैडी की तरह हाफ टाइम आप घर में हूँ आपके साथ और हाफ टाइम हॉस्पिटल जाया करूँ तो आपको कैसा लगेगा? गोया कि उसने मुझे कभी देखा नहीं है ऐसे, तो उसने सोचा 2 मिनट और फिर कहा कि मम्मी, अगर आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर आप हमें किसी के पास छोड़ के इतना ज़्यादा टाइम जा ही नहीं सकती, आपको बहुत फिक्र रहेगी, तो आप अच्छी तरह से अपना अपनी रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से अच्छी तरह ये काम करना चाहती हैं। जब उसने मुझे ये कहा तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए और मैंने सोचा कि यही मेरे अल्लाह ने मेरे साथ किया इतने साल। मेरे अल्लाह ताला ने जान लिया कि मेरे पास बहुत दो ह्यूज पोर्ट्स हैं, मदरहुड और डॉक्टरी, और अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं, दो ह्यूज बोट्स में एक टाइम पे सवार ना हूं, जिस तरह का इंसान मैं हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोनों मदर्स माशाल्लाह करती हैं, ये तो वो जितनी ताकत उठा सकती हैं वो उसके हिसाब से, तो मैं ये कर सकती हूँ, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। और अब आप मुझे ये कहेंगे कि इफ़ आई हैव टू डू ऑल ओवर अगेन, वट डू आई डू डिफरेंटली, तो मैंने कहना चाहूँगी नथिंग। मैंने इस चीज़ को बहुत अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ कबूल किया है हमेशा, और मैंने ज़िंदगी में एक एक चीज़ सिर्फ जो जो मैंने लर्न किया है, फ़ायदा उठाया है और उसको एम्ब्रेस किया है, तो दिस हैज़ मेड मी हु आई एम टुडे। मुझे जो भी मौका मिला मैंने कहा ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं इससे ऑनेस्टी के साथ करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा नसीब क्या है, लेकिन मैं करूँगी, और मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। और फिर उसके बाद अगर आप ये कहें कि एडवाइस फॉर पीपल इन योर शूज़, तो मैं यही कहूँगी कि वी कैन बी इन ईच अदर शूज़। हम ज़िंदगी में थोड़ा थोड़े चीज़ों में मैच करते हैं, लेकिन फुल सर्कमस्टांसेस हमारे एक जैसे नहीं होते। वी हैव टू वॉक आर सेल्व इन आर शूज़। हमें ख़ुद ही ये सफ़र तय करना होगा, ख़ुद ही ये मुसाफतें तय करना होगी। कोई भी हमारा जो हमारी जो है हमारे शूज़ पहन के नहीं वॉक कर सकता, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो मेहनत करनी है, ऑप्टिमिज्म, पुर उम्मीद होके कि जो भी हम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जितना भी अच्छा छोटा बड़ा छोटी बड़ी मेहनत कर सकते हैं हम करेंगे, और सब जो हमारा नसीब है हमें मिलेगा, और ये अल्लाह तवक्कुल से होता है। तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है जिसने ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा
हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैंने कभी ये नहीं समझा, और मैं आपको भी बताऊंगी कि मैंने ये नहीं सोचा कि शायद मेरे एग्ज़ाम के स्कोर्स और बहुत ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस बहुत पावरफुल हों, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मेरा जो है इतना ज़्यादा अच्छा हो कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल जाए, उम्दा मिल जाए जहाँ पे भी। ये सब तो एक रेसिपी है जो आप डॉक्टरी फील्ड में हों, कहीं भी हों, आपको अच्छे काम के लिए चाहिए होती है। लेकिन मेरा बिगेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो मेरा मेरा अल्लाह है। जब मैं ये सारे काम छोटे मोटे तरीके जैसे भी अच्छे अपनी ऑनेस्टी के साथ करूँगी, तो मेरा बिगेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अल्लाह लिखेगा, और वो मुझे वहाँ देगा जहाँ मेरा नसीब है। ये बात आप लोग सीख लें और ये बांध लें कि कोई भी चीज़ आपसे कोई भी नहीं ले सकता। कोई भी चीज़ आपको कभी भी, चाहे आपको मुश्किल नज़र आती है, किसी ने कभी की नहीं है, लेकिन आप वो कर सकते हैं अगर आपका नसीब है। वो किसी के भी हाथ में नहीं है। और अब मैंने जो ये इतनी वीडियो बनाई है उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि नाउ आई एम एनोनिमस। आप लोग मेरा नाम, मेरी एक चीज़ कुछ भी नहीं जानते, सिवाय ये कि एक मदर हूँ जिसने जो बच्चे बच्चों का घर अपने घर का ख्याल रखती है। तो आपके पास कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैं कैसी लाइफ रहती हूँ, क्या करती हूँ। आप सिर्फ मुझे इतना जानते हैं कि एक मदर जो शुक्रगुजार है और मुतमईन है। तो और इस बात पे मैं आपको यही कहूँगी कि इससे आप बहुत सुकून में आ जाएंगे खुद भी, कि वाकई हमें किसी से कंपेयर नहीं करना। हमें कोई भी शख्स नहीं है हमारी तरह का, तो हमें तो अपने गॉड से अपना सिर्फ रोल एस्टेब्लिश करना है, सबसे बिगेस्ट रोल। आफ्टर फुलफिलिंग एंड आई हैव टू फुलफिल दीज फॉर ओनली गॉड। तो आप और तवक्कुल चाहिए आपको, और आपको सब मिलेगा। बस आप परेशान होना मुस्तकिल तौर पर छोड़ दें। ये चीज़ें आती रहेंगी बार बार डिफरेंट सूरतों में। अगर आप किसी को देखते हैं कि खाली कोई डॉक्टर बन गया है, तो उसकी एक जर्नी है, उससे इम्प्रेस होना छोड़ दें। हर कोई उसमें से कोशिश करें कि आप सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। बाकी तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने मेहनत कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, तो क्या आपका ख्याल है कि सारे डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा स्कोर्स हासिल करते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, उम्दा तरीन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आता है, तो हर एक को बहुत आला जगह पे मिलती है, रेजिडेंसी या कुछ भी, क्या कहते हैं, कोई भी क्लिनिकल पोजिशन? नहीं, किरदार होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छी जगह काम हॉस्पिटल में करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग इन आप आपका जो किरदार है, उसकी आपकी इंटेग्रिटी, मतलब आप पता चले कि एक शख्स आया है जो इतना हम्बल, इतना स्ट्रांग है कि हर कोई उससे बात करना चाहता है, हर कोई डॉक्टर कैसा होना चाहिए? डॉक्टर ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे हम देखते हैं और हमें एक इत्मीनान आता है कि अब हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने तो ठीक करना नहीं है, डॉक्टर ने तो शायद मेडिसिन लिखनी है, थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन अगर एक डॉक्टर बहुत बेचैन है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, तो कोई भी उससे मुतासर नहीं होता। शिफा देना तो आपका काम है भी नहीं है, शिफा देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन आपका जो काम है आप वो अच्छे तरीके से करें। ह्यूमिलिटी, आजजी हो आपकी पर्सनैलिटी में, मेहनती हो आपके पास नॉलेज जितना भी हो वो हमेशा कम होता है, लेकिन आप में सीखने की और मदद करने की एज अ डॉक्टर सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए। जब आपने ये सारे किरदार मजबूत कर लिए, तो आपके वालदैन आपसे खुश हो जाएंगे। खुश वालदैन वक्त के साथ ही होंगे जब आप दिलो जान से मेहनत करेंगे, क्योंकि आपका काम जो है इतना ही है। और इस पे मैं आपसे सूरह कमर की तीसरी आयत शेयर करूँगी, वकुल्लु अम्रिम मुस्तकिर्रुन, और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। एवरी अफेयर हैज़ इट्स अपॉइंटेड टर्म एंड टाइम। तो आप मुझे कहेंगे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकूंगी क्लिनिकली, इतने सालों के बाद वेस्ट कर दिया टाइम। आप कौन हैं? मेरा जो नसीब है, जिस वक्त मुझे जहाँ पहुँचना है मैं पहुँचूँगी, जैसे आज तक पहुँची हूँ, जैसे मैंने MBBS कर लिया था, जैसे मैं मदर बन गई, जैसे। तो हम सब अपने अपॉइंटेड टाइम में हमेशा की तरह, जैसे पहले ब्राइट होके निकले हैं, हर टाइम में ज़िंदगी के ब्राइट होके निकलेंगे। और इसको हम
अपनी फिक्र बनाना छोड़ते हैं। ये हमारे गॉड का गिफ्ट है हमारी मेहनत पे, और हम सबको मिलेगा, सबको जिसका जो नसीब है। और इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से माई लास्ट वर्ड, आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एज अ मदर एंड एज अ डॉक्टर नॉट वर्किंग, आई एम एट पीस, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इट विल चेंज योर लाइफ इनटू समथिंग बेटर। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग। All right, I hope you learned something from her video. If you did, please like it, subscribe to the channel, share it with others, and ring on the notification bell. Like I always say, never give up, never lose hope. Bye.